दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वह जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं और वह गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उसे तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी पेड़ से नीचे उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर चुप जाता है। कुछ देर के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ दो ही पैर थे और उसके दो पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रिंगटी हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे यह लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचती होगी। यह बात वह आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है। और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है, उसे लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और शेर वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और वह आदमी वहां से थोड़े दूर आगे चला जाता है। तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी दो दिन तक उसे जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने दो दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी। लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं, मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक दीप मतलब होता है। और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचारी नहीं, ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था, उसका एक वफादार मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? राजा गुस्सा हो गया और मंत्री को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और वह जेल जाते समय उसने राजा से फिर से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब व्यक्ति है, वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को अब 3 महीने बीत गए थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए गए। वे सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह अपना रास्ता खो चुका था और घने जंगल में खो गया। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है और वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला ना तो राजा के राज्य में था और ना ही वे राजा को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वह मारकर अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सके। राजा उनसे उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को अपने कबीले में ले आए, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसे बलि के लिए तैयार किया। ठीक उसी समय जब वह राजा को मारने वाले थे, कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी ढोल बजाने वालों को आदेश दिया और राजा की बलि देने से रोक दिया और कहा, इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है, और यदि अधूरे मनुष्य की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। राजा खुशी खुशी जंगल से अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि यदि मेरे पैर की एक अंगुली कटी नहीं होती तो वे आदिवासी आज मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकालो। उसने मंत्री को उसका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा, मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कटी थी और यह मेरे भले के लिए हुआ, मैं यह समझ गया हूं, लेकिन आप 3 महीने जेल में रहे और आपको इतना कष्ट सहना पड़ा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। महाराज आपकी कटी उंगली देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और यदि मैं आपके साथ होता तो वह मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था और मैं जेल में था। इससे आपकी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी होता है अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित होने का आकलन नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय उन्नति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे दुश्मनों द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, और हमेशा याद रखिए कि कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।